हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए गणेश जडेजा और आज एकदम एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए कि सर हम लोगों ने सीए इंटर का सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, यानी कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। दोस्तों ये क्वेश्चन का ना मेरे सजेशन देने के पहले एक बेसिक बात बताइए कि आप लोगों का प्रिपरेशन कौन सी स्टेज पे, यानी कि जो आप लोग आपकी एग्जाम है उसका प्रिपरेशन का क्या स्टेज है। कोई स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है सर हमारे ग्रुप वन के या जो सेकेंड ग्रुप के बोलो क्लासेस तो कंप्लीट हो चुके और साथ ही साथ हमारा पूरा पढ़ाई हो गया, या फिर ऐसा भी सिचुएशन रह सकता है कि हमारा सर क्लासेस तो हो गया पर थोड़ा सा वो एक बैकअप सॉरी जो बैकअप बोलते ना वो पेंडिंग है। तो दोस्तों टेंशन मत लेना, अगर आपका ये सिचुएशन है तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों का ये वाला थर्ड सिचुएशन है ना कि सर हमारा काफी ज्यादा बैकलॉग बाकी अभी ग्रुप का, तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लेना और आप लोग आपके ग्रुप वन के सर्विस पे चले जाना, है ना। मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको दोनों ग्रुप देना। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ना सबसे पहले कुछ बात करूंगा बोथ ग्रुप वर्सेस सिंगल ग्रुप की। सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे कि दोनों ग्रुप देने के एडवांटेजेस क्या हिसाब है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग रैंक के लिए ट्राई कर रहे हो तो ICAI के रूल्स के हिसाब से अगर आप लोगों को रैंकर बनना है तो यानी कि AIR में आना है जो टॉप 50 की लिस्टिंग करके, उसके लिए आप लोगों को दोनों ग्रुप को साथ में ही देना पड़ेगा, है ना। और जो दूसरा पॉइंट रहता है आप लोगों का सेटअप। अभी सेटअप का क्या मतलब है, इंडिविजुअल ग्रुप को पास करने के लिए आप लोगों को 50% लगता है, यानी कि 400 में से 200 मार्क ग्रुप वन में लगता है और 400 में से 200 मार्क ग्रुप टू में लगता है। तो अगर ये शॉर्टफॉल हो गया आपका बाय चांस कोई ग्रुप के अंदर आपका शॉर्टफॉल हो गया तो जो दूसरे ग्रुप के अंदर आपको ज्यादा मार्क्स मिले उसको आप एडजस्ट कर सकते हो आपके बचे हुए ग्रुप के साथ, यानी कि आपको टोटल 800 में से 400 मार्क्स लाने हैं, है ना। और थर्ड फायदा रहता है कि जब आप लोग दोनों ग्रुप को साथ में दे रहे हो ना आपका पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के हो गया रहता है। जो बात करूंगा मैं अभी सिंगल ग्रुप की, तो सिंगल ग्रुप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने, यानी कि काफी कम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपका सिलेबस भी इजीली कवर हो जाता है ना। लेकिन अभी इनके डिसएडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो अगर मैंने दोनों ग्रुप साथ में लेने का सोचा तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि मेरा काफी ज्यादा सिलेबस है। बट दोस्तों एक बात मैं आपको एकदम फ्रेंकली बताऊं ना, तो आप ये जो कोर्स कर रहे हो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो सीए का, इतना टफ कोर्स कर रहे हो, तो जब आप मार्केट में आगे जाके अपने आपको सर्विसेज देने आ रहे हो ना तो वो भी इजी नहीं रहना है। तो यही अगर आप लोगों ने अभी से दोनों ग्रुप की तैयारी करना चालू किया ना तो आप एक मार्केट के प्रेशर को बोलो या फिर कम टाइम में सब चीजें कैसे मैनेज करोगे, रियल लाइफ में कैसे आप लोग फेस करोगे प्रॉब्लम्स को, उसका काफी अच्छा तैयारी आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर मैं सिंगल ग्रुप देने का डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कैजुअल अप्रोच। हाँ दोस्तों क्या होता है ना, आप ये सोचते हैं कि मेरे पास 9 महीने एग्जाम क्लियर करने के लिए, मैं आराम से करूंगा, आई हैव टू मच ऑफ टाइम, तो मैं मेरा टाइम भी वेस्ट करना चालू कर देता हूँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक इमेंसी आ जाती है, एक कैजुअल अप्रोच आ जाता है पढ़ाई को लेकर, जिसकी वजह से मेरी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हम लोग चलो बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सिंगल ग्रुप और दोनों ग्रुप का। मान लीजिए अगर आपने कोई सिंगल ग्रुप दिया तो इसके ना दो रिजल्ट आएंगे, या तो आप पास हो जाओगे नहीं तो आप लोग फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने दोनों ग्रुप दिए तो इसके 3 रिजल्ट आएंगे, या तो दोनों ग्रुप क्लियर हो गए या तो दोनों ग्रुप चलो गलती से क्लियर नहीं हो गए, या तो थर्ड केस आएगा एक ग्रुप पास हो गया और एक ग्रुप फेल हो गया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेस्ट पॉसिबिलिटी की। सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या रहेगी दोस्तों, आप लोगों ने दोनों ग्रुप दिए और आप लोगों का दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आती है, आप लोगों ने एक ग्रुप दिया एंड वो भी आपका क्लियर हो गया, ये दोनों को मैं बताऊंगा बेस्ट पॉसिबिलिटी, तो जो आपने सोचा था वो तो पूरा हो गया, है ना। थोड़ा सा लेकिन रीजनेबल अप्रोच रखते हम लोग आते कि आप लोगों ने एक ग्रुप में आप लोगों ने दोनों ग्रुप दिया, एक सब्जेक्ट पास हो गया और एक सब्जेक्ट पास नहीं हुआ, यानी कि एक सब्जेक्ट आप लोग एक ग्रुप आप क्लियर नहीं कर पाए, तो इस केस में मैं बोलूंगा आपको ना चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नो वरीज, बिकॉज स्टडी ऑफ फेल ग्रुप ऑलरेडी कंप्लीटेड विच विल हेल्प इन अपकमिंग एग्जाम, यानी कि जो ग्रुप में आप लोग फेल हो गए हो बाय एनी रीजन उसका पढ़ाई तो हो गया ना आपके पास, यानी कि जब आप लोग उसको वापिस से अटेम्प्ट देने वाले हो आपको स्क्रैचेस स्टार्ट नहीं करना है, आप लोगों का एक बार पढ़ के हो चुका है, यानी कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं जाएंगे वो ग्रुप को वापिस से तैयार करने के लिए, है ना। लेकिन एक चलो एक बैड केस सिनेरियो को करते हैं कि आप लोगों ने दोनों ग्रुप दिए और टचवुड ऐसा किसी के साथ ना हो, बट मान लीजिए आप दोनों ग्रुप में पास नहीं हो पाए तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके अंदर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, बट एट द सेम टाइम आपका ना कॉन्फिडेंस ही थोड़ा सा बूस्ट होना चाहिए, रीजन भी आपके ना आठों सब्जेक्ट एक बार पढ़ के हो चुके हैं, है ना, यानी कि जब अभी आपको वापिस से स्टडी करने की बारी आएगी, वापिस आपको स्क्रैच से नहीं पढ़ना है,
आपको एक बेसिक नॉलेज है सभी सब्जेक्ट्स के बारे में और अभी आपको सिर्फ उसको रिवाइज करने की जरूरत है। और एकदम मेन पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आप आपके फ्यूचर को लेकर क्लियरिटी ये रहेगी कि क्या मैंने हमें वापिस से दोनों ग्रुप देने चाहिए, क्या मैंने सिर्फ एक ग्रुप देना चाहिए। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ एक ग्रुप देना है तो मैंने कौन सा ग्रुप देना चाहिए, ग्रुप वन देना चाहिए या ग्रुप टू देना चाहिए। या फिर आप लोगों का ये एनालिसिस हो जाएगा कि यार मेरा ये वाला ग्रुप वीक है तो मैं इसके अंदर मिनिमम मतलब पासिंग के मार्क्स लेके आ जाऊँ और दूसरे ग्रुप के अंदर मैं ज्यादा स्कोर करूँ जिससे मुझे सेट ऑफ का फायदा मिले। यानी कि फिर आप अपने हिसाब से आपके जो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन है उसको आप लोग डिसाइड कर सकोगे। ठीक है, अभी एकदम बात लेते हैं वर्स्ट केस सीनेरियो। किसकी बात करें, वर्स्ट केस सीनेरियो मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने एक ही ग्रुप दिया एंड वो ग्रुप बाय एनी रीजन आप लोग क्लियर नहीं कर पाए। दोस्तों ये बात सुनने के पहले एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, आपको सीए इंटर में जब अटेम्प्ट दे रहे हो सिर्फ पहला एक ऐसा अटेम्प्ट रहता है जिसके अंदर आप लोगों को 9 महीने का पीरियड मिलता है आपकी क्लासेस और आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर एक बार भी आप लोग क्लियर नहीं कर पाए उसके जो भी सब्सिक्वेंट आप लोगों के अटेम्प्ट रहेंगे उसके अंदर आप लोगों को टाइम मिलेगा सिर्फ 3.5 मंथ्स का। क्योंकि आप लोगों का जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप लोगों की पढ़ाई हुई नहीं रहती है, रिजल्ट आने के बाद में आपको जब स्टडी करना पड़ता है तब लगभग 3 या 3.5 महीने ही बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों ने ग्रुप वन लिया एंड सिर्फ ग्रुप वन की क्लासेस के ग्रुप वन का अटेंड किया और बाय एनी रीजन आप लोग ग्रुप वन को क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, ये वीडियो किसके लिए, नवंबर 2023 के लिए है ना। तो स्टूडेंट्स ने नवंबर 2023 के लिए ग्रुप वन को अच्छे से प्रिपेयर किया, उसका अटेंड नहीं लिया और उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है नेगेटिव। तो जब नवंबर में उनका ग्रुप वन का एग्जाम हुआ उसके बाद में उन्होंने तो इमीडिएटली दिसंबर से ग्रुप टू के क्लासेस स्टार्ट कर दिए रहेंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा 15 जनवरी के आसपास वो टाइम पे ना आपका ऑनलाइन ग्रुप टू का क्लासेस रहेगा और फिर आपका रिजल्ट आएगा ग्रुप वन का अगर नेगेटिव आ गया तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा ग्रुप देना है, ग्रुप वन जिसका पढ़ाई 6 महीने पहले किया था या ग्रुप टू जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि कौन सा ग्रुप टू। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों ग्रुप दें। दोस्तों अगर ऐसा होता तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, जब 9 महीने का आपको टाइम मिला था तब आपने एक सिंगल ग्रुप दिया तो आने वाले 3.5 महीने में दोनों ग्रुप देना ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। और एक सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपके अंदर ना डीमोटिवेशन आता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ये सोच के कि यार जब मेरे पास 9 महीने का टाइम था तब मैंने एक ग्रुप दिया वो भी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अपने ये जो आगे का एजुकेशनल कोर्स है ना उसके लिए सेकेंड थॉट देना चालू कर देते हो कि क्या मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो की। तो सर एक फाइनल कंक्लूजन बताइए कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एवरी कॉइन हैज जैसे टू साइड्स, वैसे ये डिसीजन आपका पर्सनल है। अब अपना स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, अब अपने स्ट्रेंथ देखिए, वीकनेस देखिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स है, उन सबको एनालाइज कर लो और जो भी डिसीजन है आप इंडिविजुअली लें। सर आपके हिसाब से पर्सनल क्या ओपिनियन रहेगा, आप लोगों ने क्या प्रेफर करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि आप लोगों ने दोनों ग्रुप देने चाहिए क्योंकि दोनों ग्रुप देने के काफी ज्यादा एडवांटेजेस है। इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप लोग फेल भी होते हो दोनों ग्रुप तो भी आपके पास बैकअप का प्लान जैसे मैंने बताया वैसे भी रहेगा, है ना दोस्तों। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन को जारी रखना। ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना और इसको कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।